चांदपुर में जलीलपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक पंचवती होटल के मीटिंग हॉल में हुई, जिसमें सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ने भाजपा नेता एवं ब्लॉक प्रमुख सुपुत्र को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सैकड़ों पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में भाजपा नेता कपिल चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार का सबका विकास सबका विश्वास तथा सबका साथ मूलभूत उद्देश्य है। नाला निर्माण तथा ब्लॉक प्रमुख निधि से सरोवर योजना के अंतर्गत तालाबों को ठीक कराया जा रहा है, क्षेत्र में बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। सभी बीडीसी सदस्यों ने एकजुट होकर एक प्रार्थना पत्र ब्लॉक प्रमुख सुपुत्र कपिल चौधरी को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि थाने चौकी तहसील में हमारा सम्मान नहीं किया जाता, जबकि हम देश के सबसे छोटी संसद ग्राम पंचायत ग्रामीणों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। पत्र में सभी बीडीसी सदस्यों ने इस समस्या को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की। बैठक में बीडीसी सदस्यों ने अपनी बात को रखा। बैठक की अध्यक्षता भाजपा नेता एवं ब्लॉक प्रमुख सुपुत्र कपिल चौधरी ने की तथा संचालन प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार राजपूत ने किया। बैठक में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। आज क्षेत्र पंचायत की जो बैठक की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? आज क्षेत्र पंचायत की हमने अपने यहाँ बैठक बुलाई थी, उसमें हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्यादातर शामिल हुए और जनता की जो समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं, उस समस्या के बारे में उन लोगों ने बताया। जो एक मेन समस्या वो जो है वो यह है कि एक जो मिट्टी की समस्या है, तो किसान मिट्टी डालते हैं दो चार ट्राली के, इसका गांव का काम है अपना, उसको लेकर पुलिस जो ग्रामीणों को परेशान कर रही है, उसकी समस्या से इन लोगों को बताया। थोड़ा सा इनकी समस्या ये है कि जो बीडीसी सदस्य हैं उनको पुलिस और प्रशासन में जो एक जनप्रतिनिधि हैं वो, उनका कहना यह है कि उतना सम्मान हमको नहीं मिल पा रहा जिस हिसाब से हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको सम्मान मिलना चाहिए। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि भाजपा की सरकार है, योगी जी मोदी जी की सरकार है, हम पुलिस प्रशासन से पूरी बात करेंगे और आपको पूरी कोशिश करेंगे, आपको जो आपका सम्मान है वो आपको सम्मान मिलेगा निश्चित तौर पे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सम्मान ना मिले, उसके बाद हम एक ज्ञापन भी देंगे, हम आजकल में डीएम साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन देंगे उसका, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लखनऊ मुख्यमंत्री जी भी जाके मिलेंगे और कहिए पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि जो भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए।